कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह अब होगा क्योंकि मुख्यमंत्री पद के नाम जो है वो तय किए जा चुके हैं। सिद्धारमैया नए मुख्यमंत्री बनेंगे और डीके शिवकुमार जो है वो उप मुख्यमंत्री होंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद पर काफी समय से चला रहा सस्पेंस आज खत्म हो गया और कांग्रेस ने इस बात की घोषणा कर दी। कांग्रेस की ओर से यह बताया गया कि पार्टी ने यह फैसला लिया है कि सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री होंगे जबकि डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री होंगे। अंततः आलाकमान पर छोड़ा गया था यह फैसला। सोनिया गांधी के दखल के बाद ही डीके शिवकुमार राजी हुए हैं ऐसा बताया जा रहा है क्योंकि ये चार दिनों तक इस तरह की तमाम बैठकें चलती रही और अंत में इस नतीजे पर पहुंची पार्टी। फिलहाल किस फॉर्मूले के तहत शिवकुमार को राजी किया गया है ये देखना दिलचस्प होगा। 20 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ ही मंत्रियों का एक समूह भी उसी दिन शपथ लेगा। ये बेहद महत्वपूर्ण है। शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारी में जुटी है कांग्रेस पार्टी। देश भर से नेताओं को आमंत्रित करने की तैयारी की जा रही है। विपक्षी दलों के नेताओं के जमावड़े की उम्मीद की जा रही है। 2024 के चुनावों से पहले विपक्षी एकता का प्रदर्शन करने की तैयारियां जोरों पर हैं। 2024 के चुनावों से पहले विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है ये कर्नाटक का शपथ ग्रहण समारोह। लेकिन आपको याद होगा कि 2018 में एचडी कुमार स्वामी के सीएम पद के लिए हुए शपथ ग्रहण समारोह में भी विपक्षी नेताओं की भरमार थी। 2021 के करीब विपक्षी नेता एक साथ मंच पर जुटे थे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, मायावती, अखिलेश यादव और चंद्रबाबू नायडू समेत तमाम नेताओं ने विपक्षी एकजुटता का प्रदर्शन किया था 2018 में। और 2018 के शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष की भारी गोलबंदी दिखी थी। इसमें कांग्रेस के कभी धुर विरोधी रहे अरविंद केजरीवाल, मायावती और सीताराम येचुरी भी शामिल हुए थे। उस दौरान भी 2019 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर इन नेताओं के ने परिवर्तन लाने की हुंकार भरी थी। लेकिन नतीजा क्या कुछ हुआ था 2019 के चुनावों में ये आपको अच्छी तरह से पता है। और एक बार फिर से कहा जाए कि वही परिदृश्य रिपीट करने की कोशिश की जा रही है तो गलत नहीं होगा। फिलहाल इसके पीछे भी बहुत कुछ सियासत है। क्या कुछ सियासत, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने क्या कुछ कहा और उन्होंने बताया कि विधायक दल के नेता सिद्धारमैया होंगे, जो सारा अनाउंसमेंट था आइए आपको सुनाते हैं। विधायक दल के अगले नेता और मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया जी होंगे और उनके साथ घनिष्ठ कंधा मिलाकर उप मुख्यमंत्री के तौर पर श्री डीके शिवकुमार जी काम करेंगे। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आयशा खानम हमारी संवाददाता बेंगलुरु से जुड़ी हुई हैं और दिल्ली की में क्या कुछ हलचल रही है, किस तरह से यहाँ की गतिविधियाँ हैं, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता ऋषि कुमार दिल्ली से जुड़ रहे हैं। तो आयशा, अभी गतिविधियों का केंद्र अगर कहा जाए तो दिल्ली से शिफ्ट होकर के बेंगलुरु पहुँच गया है, अगर इस तरह से समझा जाए। क्या कुछ चैलेंजेस, अगर हम सीधे सीधे सियासत की बात करें तो क्या कुछ चैलेंजेस आपको लग रहा है, क्योंकि नाम तो तय हो गए हैं लेकिन ये जो पारी है ये इतनी आसान शायद नहीं होगी, ये नेता भी समझ रहे होंगे। जी हाँ बिल्कुल निखिल, अभी कुछ ही देर में करीब 5:30 बजे के आसपास डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया बैंगलोर पहुंचेंगे और फिर 7 बजे यहां पर औपचारिक तौर पर सीएलपी बुलाई गई है। तो तमाम विधायक पहुंच रहे हैं सीएलपी अटेंड करने के लिए और विधायकों के सामने एक बार फिर ऐलान किया जाएगा कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री के पद के लिए चुने गए हैं और उनकी सहमति भी ली जाएगी। तो जाहिर है अब पूरा जो केंद्र है सरकार बनाने के उस पर फोकस रहेगा। देखिए खास बात यह है कि इस रेस के दौरान, मुख्यमंत्री की रेस के दौरान यह बात खुलकर सामने आ गई कि डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच में जो मतभेद थे वो खुलकर सामने आए हैं और डीके शिवकुमार को कहीं ना कहीं सिद्धारमैया के नेतृत्व से एतराज है क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है तो मल्लिकार्जुन खड़गे को मुख्यमंत्री बनाया जाए और वो एक्सेप्टेबल है। तो ऐसे में यह साफ जाहिर होता है कि दोनों के बीच का जो मन मुटाव था वो खुलकर सामने आ गया है। कहीं ना कहीं कुछ समय तक ये नजर आया कि पार्टी में एक वर्टिकल डिवाइड देखने को मिला क्योंकि सिद्धारमैया की तरफ कई विधायक थे तो कुछ कम विधायक जो है डीके शिवकुमार की तरफ खड़े हुए नजर आए। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं थी क्योंकि ये विधायक जो है खुलकर सिद्धारमैया के समर्थन में खड़े रहे और उनके साथ खड़े रहे, उनके घर पर बैठे रहे। तो ये बात अब साफ हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो मन मुटाव दोनों में नहीं होना चाहिए था ये हो गया है और अब सरकार चलाने के लिए जो मंत्रिमंडल का गठन होगा ये बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि डीके शिवकुमार ने कहा कि महज एक ही
डिप्टी सीएम होना चाहिए। तो ऐसे में जो दूसरे वरिष्ठ कांग्रेस के यहाँ पर विधायक हैं, जैसे एच के पाटिल हैं, एमबी पाटिल हैं, परमेश्वर, डॉक्टर परमेश्वर, ये तमाम वरिष्ठ नेता उम्मीद लगाए बैठे थे कि इन्हें भी उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, यानी कम से कम 3 डीसीएम बनाए जाएंगे। और दूसरी तरफ अल्पसंख्यक भी एक दावा किया गया कि उन्हें आपको रोकना चाहूंगा, का पद दिया जाए। तो ये आपको रोकना चाहूंगा, वापस आपके पास और ऋषि के पास आएंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है द केरला स्टोरी पर। पश्चिम बंगाल सरकार को एक बड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से। आज इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में फिल्म द केरला स्टोरी पर लगी रोक को हटा दिया है। ये पश्चिम बंगाल में जो सरकार ने केरला स्टोरी पर जो रोक लगाई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। याचिकाकर्ता अदालत गए थे, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और सुप्रीम कोर्ट ने पूरी सुनवाई करने के बाद पश्चिम बंगाल में द केरला स्टोरी पर जो रोक लगी हुई थी उसको हटा दिया है। हमारे संवाददाता विकास सारथी इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, पूरी खबर दीजिए, क्या कुछ कहा गया कोर्ट में, क्या कुछ जो दलीलें थी वो रखी गई। आजादी है और उसको जो इंश्योर करने की बात है कि वो सुनिश्चित की जाए, फंडामेंटल राइट सुनिश्चित किया जाए, उसमें पब्लिक ओपिनियन की कुछ लोगों को हर चीज पे आपत्ति होती है। कोर्ट ने ये कहा कि बंगाल सरकार ये कह रही है कि क्योंकि खुफिया रिपोर्ट मिली थी कि लोग इससे नाखुश हैं फिल्म के कंटेंट से, इसीलिए हिंसा हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि मुट्ठी भर लोग कहीं पर भी खड़े होकर कि किसी भी चीज पर पाबंदी की बात कर सकते हैं, ऐसे में क्या किसी हर चीज पर पाबंदी लगा दी जाएगी। दूसरी बात कोर्ट ने कही कि आपत्तिजनक अगर आप इस फिल्म को बता रहे हैं तो ये पूरे देश में कहीं से हिंसा की जब कोई वारदात नहीं हुई है तो बंगाल में इसको लेकर के इतनी ज्यादा आशंका क्यों जताई जा रही है। इसके अलावा अगर सरकार की दलीलों की बात करें तो बंगाल सरकार ने एक नई दलील आज यहाँ पर रखी। उन्होंने कहा कि जब फिल्म 5 मई को रिलीज हुई थी तो हमने उस पर रोक नहीं लगाई, इसीलिए फिल्म निर्माता जिन फैसलों का हवाला दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को वो यहाँ लागू नहीं होते क्योंकि उनमें स्क्रीनिंग से पहले ही रोक लग गई थी। हमने 5 से 8 तारीख तक फिल्म चलने दी, उसके बाद इंटेलिजेंस इनपुट आए, इसके आधार पर कार्रवाई की गई। लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये पर्याप्त नहीं है ये दलीलें आपकी, पूरा मामला अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़ा हुआ है, फिल्म किसी को अगर पसंद नहीं आ रही है तो फिल्म वो ना देखें। दूसरी बात यहाँ निखिल ये भी लगती है कि देश में कहीं पर भी किसी दूसरी जगह पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा नहीं हुई, इसलिए कोर्ट ने भी इस तरह का आदेश दिया है कि कोई जरूरत नहीं दिखती कि बंगाल में इस पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने दो बातों को हालांकि आगे की सुनवाई के लिए छोड़ दिया है, जो एक केरल में और तमिलनाडु में सरकार ने खुद रोक नहीं लगाई है लेकिन दबाव के चलते सिनेमा मालिकों ने इसकी स्क्रीनिंग रोक दी, वो मामला सुप्रीम कोर्ट जुलाई में सुनेगा। लेकिन बंगाल के मामले में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कोर्ट ने आदेश आज दे दिया है, जो रोक थी उसके ऊपर जो बंगाल सरकार ने अभी हाल ही में लगाई थी उस पर उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है, यानी फिल्म की रिलीज का रास्ता साफ हो गया है। लंबी बहस चली इस पे करीब 12:30 से लेकर के बीच में 1 घंटा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ब्रेक हुआ उसके बाद फिर से सुनवाई चली 1 घंटा। सभी दलीलें रखी गई यहाँ पर लेकिन कोर्ट इस बात को लेकर के आश्वस्त नहीं था कि केवल पब्लिक ओपिनियन, वो भी चंद लोगों का, कुछ लोगों का, उसके आधार पर आप किसी आर्ट वर्क पर, किसी सिनेमा पर, किसी नाटक पर पाबंदी लगा देंगे, ब्लैंकेट बैन कर देंगे। जी जी जी, जो तो एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच की जो बात की जाती है तो निश्चित तौर पर सभी के राइट्स हैं और जैसा कि आपने कहा कि अदालत ने कहा कि कुछ लोगों के, महज कुछ लोगों के कहने पर इस फिल्म पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। पश्चिम बंगाल सरकार के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, राजनीतिक इसके अगर दूरगामी परिणाम हैं तो वो भी कहना गलत नहीं होगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए विकास सारथी। और वापस लौटते हैं अपनी उस खबर पर जिसमें हम बात कर रहे थे कर्नाटक की सियासत की। हमारे साथ में हमारे दो संवाददाता जुड़े हुए हैं, बेंगलुरु से आयशा खानम और दिल्ली से ऋषि कुमार। एक बार वापस उनके पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से ये जो पूरी सियासत है इसके क्या मायने हैं। आयशा खानम को के पास वापस जाएंगे, आयशा खानम के पास वापस जाएंगे। आयशा, आप बता रही थी कि जो तल्खियां हैं दोनों नेताओं के बीच में, सिद्धारमैया के और डीके शिवकुमार के बीच में, वो काफ़ी सतह पर आ गई इस 3-4-5 दिनों के एपिसोड में, तो ये भी मुश्किल होगा और मंत्रिमंडल का गठन ये भी मुश्किल होगा।
जी हाँ बिल्कुल, मंत्रिमंडल का गठन सबसे बड़ी चुनौती रहेगी क्योंकि कई वरिष्ठ विधायक जो हैं कुछ ऐसे भी हैं जो आठवीं बार चुनकर आए हैं, तो ये तमाम लोग चाहते हैं कि उन्हें भी मलाईदार पोर्टफोलियोज मिलें, तो इसके लिए यहाँ पर लगातार इनके बीच में आपस में डिस्कशन शुरू हो गए हैं। लेकिन जिस तरह से डी के शिव कुमार ने ब्रेक लगाया है एक से ज्यादा डिप्टी सीएम को बनाने का, उससे और भी दूसरे खासकर लिंगायत समुदाय से जो काफी उम्मीद कर रहे थे एमबी पाटिल, इन्हें काफी निराशा हुई है, एसके पाटिल को काफी निराशा हुई है, तो ये बहुत बड़ी चुनौती होगी कांग्रेस के सामने। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने कैबिनेट का गठन करने के बाद जो पांच गारंटीज है उन्हें कैसे लागू किया जाए। देखिए कांग्रेस कांग्रेस को अब इस जो वादे किए थे पांच गारंटीज के वादे किए थे इसके लिए कांग्रेस को करीब 1,00,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी इन्हें अगर लागू किया जाता है जिस तरह से प्रचार के दौरान कहा गया था। तो अब कांग्रेस को इसे लागू करने के लिए फाइनेंस को मोबिलाइज कैसे किया जाए ये बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि वादे तो बहुत हो चुके लेकिन अब हकीकत क्या है अब कांग्रेस ये जानेगी जब बैठकर पता चलेगा कि 200 फ्री पावर यूनिट जब दिया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट दिया जाएगा और उसके बाद 1500 रुपए बेरोजगारों को दिया जाएगा, हर महिला के परिवार में हर महिला को 3000 रुपए देना है, तो ये बहुत बड़ी रकम होती है। अगर 5 साल की घोषणा करना आसान अगर दी जाए तो उन्हें 6,00,000 करोड़ रुपए की जरूरत। जी 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 जी, फ्रीबी को घोषणा करना आसान है लेकिन उसके लिए जो वित्त का प्रबंधन है वो कितना मुश्किल होगा ये इस बात को समझा जा सकता है। ऋषि कुमार आपसे समझना चाहेंगे, जब बात चुनौतियों की हो रही है तो दिल्ली में जो आला कमान बैठा है उसके लिए भी चुनौतियां कम नहीं है, भले ही अभी डीके शिव कुमार को समझा बुझा करके उनके लिए कोई फॉर्मूला दिया गया हो। तो बताइए कि क्या किसी फॉर्मूले की बात सामने आ रही है कि किस तरह से किन बातों को लेकर के डीके शिव कुमार को समझाया गया, और दूसरी बात क्या प्रमुख चुनौतियां आला कमान के लिए है क्योंकि 2024 के चुनाव सर पर हैं और एक इस जीत के साथ में बहुत उत्साहित दिख रहा था कांग्रेस का नेतृत्व। देखिए जहां तक फार्मूले की बात करें जो कि आपका पहला प्रश्न है कि फार्मूला क्या है, ये फार्मूला स्पष्ट दिखाई दे रहा है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की गई उसमें जो शब्दों का प्रयोग किया गया उसमें सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री बताया गया, तो अगला वर्ड था कि ओनली वन डिप्टी सीएम, यानी कि कहीं ना कहीं ये बात थी कि एक से अधिक उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो अगर एक से अधिक उप मुख्यमंत्रियों के फॉर्मूले को टालकर एक ही उप मुख्यमंत्री के फॉर्मूले पर आए हैं तो ये एक बड़ा फॉर्मूला है जो कि डीके शिव कुमार चाहते थे कि कोई और उप मुख्यमंत्री ना बने। दूसरा फॉर्मूला जिसमें उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव तक डीके शिव कुमार ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, दूसरा फॉर्मूला। तीसरा जो फॉर्मूला है, तीसरी जो मांग रही कि इसमें मंत्रालयों को लेकर जो खबरें हैं कि दो प्रमुख मंत्रालय उनको मिलेंगे, अब जबकि मंत्रालय दिए जाएंगे तभी बात ये स्पष्ट हो पाएगी क्योंकि इसका इसकी घोषणा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं की गई थी जी। तीसरी और चौथी अहम बात ये है कि इस पूरे के पूरे फॉर्मूले में ये जो एक हिडन फार्मूला है कि 2 साल और 3 साल तक के लिए इसका समय रखा गया है कि मुख्यमंत्री पद के लिए एलोकेट किया गया है कि भाई 2 साल तक सिद्धरमैया रहेंगे और आगे के बचे हुए 3 साल के लिए डीसी कुमार रहेंगे। ये जो पूरे के पूरे फॉर्मूले ये बताता है कि दोनों नेताओं के बीच में किस तरीके से जो वहाँ के विधायक हैं वो सक्षम नहीं है कि अपने नेता का चुनाव कर पाएँ, दूसरा जो कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है वो सक्षम नहीं है वो ये कह पाए कि आप ही मुख्यमंत्री रहेंगे 5 साल तक के लिए। तो ये जो स्थानीय दबाव है राजनीति में आला कमान के लिए ये फिर सबसे बड़ी चुनौती रहेगा क्योंकि जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे वो उसी राज्य से आते हैं जहाँ से ये कि पूरा का पूरा मसला इस बार कर्नाटक के चुनाव के दौरान निकल कर आया है, तो एक देश के जो उनकी पार्टी है उसमें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अगर उनकी बात मानने में उस तरीके की गंभीरता नहीं दिखाई दी तो अध्यक्ष के तौर पर उनके सामने चुनौती होगी। दूसरी बात यह है कि इस राज्य से लोकसभा चुनावों में परफॉर्मेंस कैसे सुधरे इसको लेकर भी एक बड़ी चुनौती होगी, और इस पूरे के पूरी कवायद में कांग्रेस पार्टी को अन्य राज्यों में ये मैसेज देने में कितनी सफलता मिल पाएगी क्योंकि दो लोगों के बीच में जो घमासान 4-5 दिन चला है इससे निश्चित तौर से बाकी के राज्यों में कहीं ना कहीं ये मैसेज चला गया होगा कांग्रेस शासित कि वहाँ पर भी गुंजाइश है अगर ये संघर्ष किया जाए तो जिस तरीके से राजस्थान में दिखाई दे रहा है कहीं वहाँ चुनौती न बढ़ जाए, तो कुल मिलाकर ये है कि नेतृत्व के लिए
इस पूरे मसले के बाद बाकी जगहों को संभालने में भी एक चुनौती बढ़ सकती है। जी जी, निश्चित तौर पर ये एक एंगल आपने सही कहा कि इसका संदेश जो है वो दूसरे राज्यों तक भी जा सकता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। ऋषि कुमार और आयशा खानम बेंगलुरु से जुड़ने के लिए हमारे साथ और सब जानकारी देने के लिए।